सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि की अवधि में कई नियमों को ध्यान में भी रखा जाता है। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों तक माता जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों के बीच में रहती हैं और उस दौरान उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से उनकी कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। नवरात्रि की अवधि एक बहुत पवित्र अवधि मानी गई है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने का विधान है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं घट स्थापना के पहले आपके घर में माता रानी का आगमन हो, तो इसके लिए नवरात्रि से पहले आपको अपने घर से कुछ चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि माता जगत जननी जगदम्बा को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर की साफ सफाई की जाती है। कहा जाता है साफ सफाई जिस घर में रहती है वही माता का आगमन होता है।